हेलो एवरीवन। तो आज हम सभी लोग जाने वाले हैं बनारस काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, और आज हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी घाट। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों का ये जो 3 का ग्रुप है हमेशा ही जाता रहता है। तो या कहीं अभी लोग मेरा दोस्त बाल काट रहा नहीं था तो उसको साथ लेके अब हम सभी लोग चलेंगे दर्शन करें बाबा विश्वनाथ का। तो अब हम फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बनारस में विश्वनाथ जी के घाट पे, और अब हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। अभी जाएंगे गंगा जी में नहाने, नहाने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे बाबा जी का दर्शन करने। तो ये कुछ नज़ारा है घाट का। चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ घाट। देखो ये काशी है, यहाँ पे कुत्ते लोग भी आराम से चैन के नीचे सोते हैं। तो आप सभी लोग एक बार काशी जरूर आइएगा, यहाँ पे घूमिएगा टहलिएगा, आपको सच में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है और ये घाट का नज़ारा है। ये है दशाश्वमेध घाट। कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आके तप किया था, दशाश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम है दशाश्वमेध घाट। तो और ये है देखो कितनी अच्छी अच्छी इमारतें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये विश्वनाथ जी का बाहर का नज़ारा है, और यहाँ पे गंगा आरती भी होती है यहाँ से कुछ दूर पे। और ये दोस्त थे तो मैंने एक सेल्फी ले लिया इन लोगों का। उसके बाद देखो ये है विश्वनाथ जी का बाहर का गेट है, कितना सुंदर और भव्य बन चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल्फी खिंचवाया, उसके बाद फिर से चल दिए आगे की तरफ। तो आप लोग एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने अवश्य आइएगा। और ये कुछ था नज़ारा ऊपर का, यहाँ पे कबूतर बहुत सारे आते हैं दाना खाने के लिए। तो देखिए इनका झुंड कितना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक। यहाँ पे इस टाइम विदेशी पर्यटक खूब आते हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि वहाँ पे फोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते दिखा सकते, इसलिए हम फोन को यहाँ पे जमा कर देंगे और चप्पल जूता निकाल के हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने। वहाँ पे फोन ले जाना बिल्कुल भी मना है। अभी हम प्रांगण में हैं, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए सबकी लाइन लगी हुई है, ये देवी जी हैं। और देखिए गेट नंबर 1 का ये नज़ारा है। प्रांगण में हम लोग दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद बाहर आ गए हैं। अब आपको दिखा रहे हैं प्रांगण का कि यहाँ पे कैसा है। ये देखिए भरत माता मंदिर है, ये है भरत माता जो कि विश्वनाथ जी के अंदर बनी हुई है। दर्शन अब हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे फिर से जहाँ पे प्रांगण है। देखिए ये है आदि शंकराचार्य जो कि शंकर जी का ही रूप माने गए हैं। तो दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों से भी अनुरोध हो कि आइएगा। देखिए विदेशी महिला जा रही थी, तो आपसे अनुरोध है कि आप जरूर आइएगा। अब उसके बाद हमने सोचा कि कुछ यहाँ से शॉपिंग कर लें। तो देखिए हम लोग गए हैं एक मार्केट में, यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति हैं, शिवलिंग हैं, शंख हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ से एक गड़ शंख जो है वो ख़रीदा, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कीमती।